हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता गोयल। जायका कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज संडे है, बच्चों ने डिमांड करी है कुछ चेंज बनाया जाए, तो आज मैं छोले भटूरे बना रही हूँ। भटूरे बनाने में जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमें 2-3 घंटे पहले ही उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल सिखा रही हूँ इंस्टेंट भटूरे जो कि 15 मिनट में हमारे रेडी हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 250 ग्राम मैदा ली है, मैंने आधा कटोरी सूजी भी ली है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। हम 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड करी है। ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें सोडा या फिर बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, दही कुछ भी ऐड नहीं करना है हमें। हमें लेनी है सोडा वाटर की बोतल। मैंने बिसलेरी की सोडा वाटर की बोतल ली है, आप किसी भी कंपनी की सोडा वाटर की बोतल ले सकते हैं। ये देखिए, और हमें सोडा वाटर से ही इसको अच्छे से गूंथ लेना है। ये देखिए, हमने एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमने एक सॉफ्ट सा डो बनाया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और इतनी देर में हम हमारे छोले बना के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने छोले लिए हैं, मैंने इन्हें रात भर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था लगभग 12 आवर्स। अब मैंने इनको अच्छे से धो के कुकर में डाल दिया और उसके बाद मैंने 6 से 7 इसमें विसिल लगाई है और मैंने इसमें एक टी बैग भी डाल दिया था, जिससे कि हमारे छोले का कलर, ये हल्का सुनहरा जो ब्लैकपन आया है वो हमारे टी बैग से आया है। मैंने कोई इसमें सोडा ऐड नहीं किया है, लेकिन ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें ये ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने लगभग 4 चम्मच इसमें ऑयल ऐड किया है। मैंने इसका ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज, 5-6 टमाटर, हरी मिर्च एंड अदरक ये मैंने लिया है। इनका हम सभी का पेस्ट बना लेंगे। मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ। ये 1 टीस्पून इसमें जीरा डाल दिया है। आधा चम्मच हींग ऐड कर देंगे। ये मेरे पास तेज पत्ते के पत्ते हैं, बे लीफ, ये मैंने इसमें ऐड करा है। 4 लाल मिर्च है, ये इसमें ऐड कर दी है। 1 इलायची है, 4 लौंग है, इससे हमारे छोले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और 5-6 काली मिर्च। ये ऑयल में अच्छे से सिक गए हैं। अब जो मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ, जो मैंने इसमें प्याज का पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये हमारा प्याज का जो पेस्ट है ये भुन गया है। अब मैं इसमें ये जो टमाटर का पेस्ट है ये भी ऐड कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारा ऑयल इसमें अलग ना हो जाए। ये देखिए, हमारा टमाटर का पेस्ट भी बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक, क्योंकि मैंने जब बॉईल किए थे चने तो मैंने उसमें भी ऐड कर दिया था। मैं थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ क्रश करके। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश कर्ड भी ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ग्रेटेड पनीर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप ऐड करिए, वरना स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट्स तक पकने देंगे।
हमारी ये सारी ग्रेवी पक गई है और हमारे छोले की जो ग्रेवी है उसने पूरा ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ छोले मसाला। अगर आपके पास अनारदाना है वो अलग से है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे इस मसाले में ही अनारदाना ऐड है इसलिए मैंने अलग से ऐड नहीं किया है। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने खटाई डाली है दही की और टमाटर की, तो इससे हमारे जो छोले का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें छोले भी ऐड कर देंगे। ये हमारे छोले रेडी हो गए हैं। मैंने 1/2 टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है जिससे कि हमारी खुशबू बनी रहे, और हम इसको मिला के और इसको गैस ऑफ कर देंगे। यह देखिए बिल्कुल हमारे बाजार जैसे हलवाई स्टाइल में छोले बल्कि रेडी हो गए हैं। अब हम इसको धनिए से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे और इनको सर्व करिए भटूरे के साथ। 20 मिनट्स हो गए हैं, हमारा आटा भी रेडी हो गया है। ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से मथ लूंगी और इसमें मैं 1 चम्मच करीबन ऑयल ऐड कर दूंगी। जितनी देर में आटा रेडी कर रही हूँ उतनी देर में मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है जिससे कि हमारा ऑयल गर्म हो जाए। ये देखिए हमारा कितना सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें से एक छोटा सा ये लोई ले लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और ये हमारा भटूरा है वो जो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको इसमें ये देखिए हमारा भटूरा कितना अच्छे से फूल गया है। यह देखिए हमारे कितने डिलीशियस बिल्कुल मार्केट जैसे छोले भटूरे बनके रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।